अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बना रहे हैं खट्टी दाल चावल, ठीक है। और चावल भी मैं हैदराबादी डिश है, तो आपको हैदराबाद के ही स्टाइल में बता रही हूँ। मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है, उसके अंदर डाला है ज़ीरा, कड़ी पत्ता, काली मिर्चें, 2 डंडी दालचीनी की, 2 लौंग और 1 बादियान का फूल, ठीक है। ये नमक है, ये थोड़ी देर में हम डालते हैं, ज़रा सा इसको हिलाएंगे। चावल मेरे पास 2.5 कप है, बहुत ज़्यादा भुनना नहीं, बहुत ही लजीज चावल बनते हैं। अगर आप सिर्फ ये हमारे तोते साहब बब्बा ने एज यूजल जैसे ही इनको पता चलता है कि मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, इन्होंने भी बोलना शुरू कर देना, क्योंकि ये हल्का सा हुआ, बहुत इजी बनने वाले चावल है। ये मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ, जो लड़कियाँ बिगनर्स हैं, ये देखिए चावल कैसे बनता है। 1/4 कप ये डाला है, ठीक है। हल्का सा चावल उसके साथ तेल के साथ चलाएंगे हम। अब ये मेरे पास है 2.5 कप चावल, इसमें पानी डालेंगे हम 5 कप नाप के, ठीक है। जब हम बैठा हुआ चावल पकाते हैं, जिसे हम पसाते नहीं हैं, तो उसमें हम डबल पानी डालते हैं। तो इसमें मैं डालूंगी 5 कप पानी, नमक और ये हो गया 5 कप पानी, चावल बचे हुए थे वो भी अंदर डालेंगे, और ये 2 चम्मच नमक। बेगनर्स इस तरह चावल बना के देखिए, ये मैं थोड़े से नरम वाले बना रही हूँ, क्योंकि दाल चावल के साथ बन रहे हैं। इसको फुल आंच पे पकाएंगे जब तक इसका ऊपर का पानी गायब ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद इसको दम कर देंगे, या आप दाल चावल के साथ खाएँ, आप कहेंगी मैं क्या खा रही हूँ। और इसमें मैं 2-3 हरी मिर्चें डाल दूँ। ये देखें बिगनर्स, देख ले करीब से दिखाना, ये देखें यहाँ पानी कोई नहीं है। बिगनर्स चेक करें किस तरह चावल हमें एंड करना है, कितना एक्यूरेट ये पानी है। इसमें 5-6 मिर्चें डालेंगे, मिर्चे के ऊपर हल्का सा चावल डालेंगे ताकि ये प्रॉपर दम हो जाए, इसके अंदर खुशबू आ जाए। अभी हम सिर्फ 10 मिनट के लिए दम करेंगे और ये चावल तैयार है। चलिए, चावल तो हैदराबादी बन गए, अब ये दाल चढ़ा रहे हैं, हैदराबादी खट्टी दाल। देखिए लाल मसूर की दाल है, 1/2 kg, इसको मैंने 1/2 घंटा पहले भिगोने को रख दिया था, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे 2 प्याज दरमियानी, ठीक है। मोटी मोटी क्यों काट के डाल रही हूँ, इसलिए क्योंकि ये इसको दाल को भी हमने पीसना है ठंडा करके। चूल्हे की आँच हल्की करूँ, हाथ पे लग रही है। 3 हरी मिर्चें, 10-12 लहसुन के जवे, 3 टमाटर, ये भी 1-2 करके आराम से डाल दें, ठीक है। ये 2 हुए टमाटर और ये हो गया 3। अब मसाले में इसमें क्या जाएगा ये भी देख लें, बहुत आसान सी दाल है, ये भी बिगनर्स के लिए ही बता रही हूँ। मेरा टारगेट जो है वो मेन बिगनर्स ही होते हैं। अभी फ़िलहाल हम इसमें डालेंगे 1 तकरीबन 1/4 चम्मच नमक, बाद में नमक हम चेक कर लेंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इसमें सिर्फ 1.5 लीटर पानी डाला है। पानी हमें थोड़ी देर बाद ड्राई करना है, इसको कम करना है क्योंकि हमें इसे पीसना है, साथ में हल्दी का पानी डालना है। 1 चम्मच, 1/2 किलो की बात हो रही है, 1 चम्मच हल्दी पड़ेगी। अच्छा, अब मैं कुटी मिर्च और पिसी मिर्च दोनों डाल रही हूँ, तो 1/2 चम्मच दोनों डाल दूँगी। 1/2 चम्मच ये, क्योंकि मेरे पास घर में कश्मीरी लाल मिर्च होती है, तो वो कलर बहुत डार्क दे देती है, तो दाल का कलर बहुत तेज़ हो जाएगा। 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर, ठीक है। टोटल इंग्रेडिएंट्स इस वक्त यही जाएंगे, इसको हम उबलने को रखेंगे। 10 मिनट के अंदर ये उबल जाती है, जैसे ही ये उबलेगी देखिए, अभी से इसका कलर वाला देख लें कितना प्यारा से। आपको हैदराबादी दाल, अगर आपने खट्टी दाल खाई हो हैदराबादी, तो इसका कलर यही होता है जो अभी आपके शोर पानी के अंदर नज़र आ रहा है, ठीक है। ये हो गया, और इसके अंदर 1 चम्मच दाल पकाते रहे, ठीक है। दिस इज़ फॉर द बिगनर्स। 1 चम्मच हम तेल डालेंगे, दाल में तेल इसलिए डालते हैं कि दाल जब पकती है ना तो बहुत सोंधी हो जाती है, उसमें कच्चापन नहीं आता। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, मैंने 1/2 किलो दाल ली थी, 1/2 किलो दाल में मैंने 2 प्याज डाली, 3 टमाटर डाले, 2-3 हरी मिर्चें डाली, 10-12 लहसुन डाला, 1/2 चम्मच कुटी मिर्च, 1/2 चम्मच पिसी मिर्च, 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून मैंने डाला हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच नमक। अब इसको पकने के लिए रख दिया है, ये पक जाता है तो फिर मैं आपको गलता है। अब इसको मैं किसी बर्तन में, क्योंकि दाल हो गई है,
गल गई है, ठीक है। अब इसको मैं किसी बर्तन में, क्योंकि देर हो रही है थोड़ी, अगर हमारे पास टाइम हो तो हम इसको ऐसे लेके, अब ये दाल मैंने इसमें ठंडे होने के रख दी है, पंखे के नीचे रख देती हूँ, थोड़ी देर में ठंडी हो जाएगी, फिर हम इसे पीस के दोबारा देखिए मिलाओ। ये दाल हम पीस लेंगे, ब्लेंडर में थोड़ी सी ठंडी हो गई है, काबिल हो गई है कि ब्लेंडर ख़राब ना करे, तो इसको हम पीस लेंगे, ठीक है। थोड़ी सी हमने पीस ली है, बाकी ये पीस के फिर इसमें इमली डाल के थोड़ी देर पकाएंगे, ठीक है। ये देखिए सारी दाल पिस गई, अब इसमें हम डालेंगे इमली, ठीक है, और इमली डाल के पकाएंगे। देखिए हो गई दाल पिस गई, अब इसमें हम एक प्याला इमली का डालेंगे। ये बहुत खट्टी इमली नहीं है, आप टेस्ट इमली का अपने हिसाब से डालिएगा, जितना खट्टा आपको खाना हो। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं खाया जाता है, जैसे मैंने एक प्याला डाला, आपको इससे ज़्यादा डालना हो तो आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आधा पाव के करीब इमली डाल सकते हैं। इसको मैं 2-3 खोल का इंतज़ार करूँगी, उसके बाद इस दाल को हम भगा देंगे, ठीक है। अब इसका खोल देते हैं, खोल हो जाता है तो फिर हम दाल को भगा। दाल हो गई है देखिए तैयार, इसको मैंने उतार दिया, ये रखा, और ये देसी घी और रेड चिली मैंने चढ़ाई है, इसके अंदर मैं डालूँगी लहसुन 5-6 जगह कटे हुए। अच्छा, इसका और इसका कुकिंग टाइम एक ही है, ठीक है ना, तो लहसुन का और इसका कड़ी पत्ता और ज़ीरा जल्दी हो जाता है, तो हम थोड़ी देर में डालेंगे, ज़रा सा लहसुन लाइट सा गोल्डन ब्राउन हो जाए, घी पिघल जाए। मैं दाल हमेशा देसी घी में भिगाती हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप तेल में भगा रहे हैं उसमें भगा रहे हैं, लेकिन मुझे दाल सिर्फ देसी घी में ही पसंद है, तो मैं उसी में करती हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से भगा सकते हैं, तेल में, घी में, सरसों के तेल में, ये सब आपकी अपनी मर्ज़ी है, अपनी चॉइस है, ठीक है। ज़रा सा जला लें, लाइट लाइट सा होना शुरू हो गया, लहसुन, ठीक है, साथ ही डाल देंगे ज़ीरा, थोड़ा सा करी पत्ता, ठीक है, मिलाएंगे। बघार हो गया तैयार, ज़रा सा बच के एक फौरन ढक्कन क्यों लगा देते हैं, ताकि बघार की खुशबू उसी के अंदर जज्ब हो जाए, ठीक है। अब ये हम ढक्कन लगाएंगे, ठीक है, और जो बकरियाँ बचा था वो जो फ्राइंग पैन में लगा रहेगा लगा देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया छिड़केंगे। ये देखिए दाल और चावल दोनों बनकर तैयार हैं, खाइए, इंजॉय कीजिए, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। इंशाल्लाह फिर किसी और रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।